लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत एक व्यक्ति पर कातिलाना हमला करने वाले अभियुक्त को बिलारी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि डीजे पर मनपसंद गाने ना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिस पर आरोपी ने पृथ्वी पाल पर 315 बोर का तमंचा निकालकर फायर झोंक दिया था, जिससे पृथ्वी पाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। फायर झोंकने के बाद सूरज मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुमान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों के अधीन कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में थाना अजय नगर पुलिस द्वारा एक अवैध असले के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसका नाम है सूरज सिंह, उनके पिता का नाम स्वर्गीय हरिश्चंद्र। इसके पास से आज सुबह ही हमें 0.315 बोर का तमंचा मिला है और इसके अलावा एक फूका कारतूस भी मिला, और इसके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है 48/2019 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। यह सूरज सिंह एक पिछले मामले में भी अभियुक्त है। इसी महीने 22 तारीख को डीजे पर मनपसंद गाने न बजाने के लिए विवाद हुआ था, उसमें इसने ये गोली चलाई थी। इससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने स्वीकार किया कि गोली चलाई थी और यही तमंचा उसमें प्रयोग हुआ। सर, ये पिछली बार कितनी बार जेल जा चुका है? इसके विरुद्ध इसके पहले भी 2013 में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, उसमें से 2 विद्युत अभियंता के हैं और 1 चोरी का मुकदमा।